हेलो नमस्कार मेरे अच्छे दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे दोस्तों, और मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण इस समय जो बीमारी चल रही है उसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो 21 दिन का जो लॉकडाउन का जो संदेश दिया है उसका पालन करना है और अपने घरों में रहना है। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ पॉइंट के बारे में। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। साफ़ सफाई का तो हमें विशेष ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ अच्छा भोजन भी करना चाहिए जिससे हमारा मानव का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। सबसे पहली बात करते हैं पोषण की। तो पोषण जीवन का आधार है दोस्तों, और शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको सही रूप से चलाने के लिए हमें चाहिए संतुलित भोजन। दोस्तों, संतुलित भोजन में क्या-क्या होते हैं? तो संतुलित भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण होते हैं। अगर इनकी कमी रह जाती है शरीर के अंदर तो हमारे को रोग हो जाते हैं, और इस स्थिति को हम कहते हैं कुपोषण। दोस्तों, कुपोषण की परिभाषा की बात कर लेते हैं। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। इसका प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। कुपोषण के निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है विटामिन कुपोषण, दूसरा है प्रोटीन कुपोषण, तीसरा है खनिज कुपोषण। तो क्वाशियोर्कोर रोग की बात कर लेते हैं इसमें। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोर्कोर रोग। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है क्वाशियोर्कोर रोग। इस रोग में शरीर सूज जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर फटने लगती है। नेक्स्ट जो अगला जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से, वो होता है मेरेस्मस रोग दोस्तों। तो प्रोटीन के साथ है पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख जाता है दोस्तों, और सूख कर कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। आँखें होती हैं वो कांतिहीन हो जाती हैं एवं अंदर की तरफ धंस जाती हैं। इस स्थिति को हम मेरेस्मस रोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, जल ही जीवन है दोस्तों। जल के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो जल दैनिक जीवन में बहुत से क्रियाकलापों हेतु बहुत आवश्यक है, और दूषित जल मानव में अनेक रोग फैला सकता है। तो पृथ्वी जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस रूप में बात करें तो ये बर्फ रूप में होता है, तरल रूप में बात करें तो ये जल रूप में होता है, और गैस अवस्था में बात करें तो ये जलवाष्प रूप में होता है। वायरस संक्रमण के कारण हिपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा और टाइफाइड और पीलिया, इसके साथ साथ कोरोना वायरस का भी नाम ले सकते हैं, ये भी एक संक्रामक बीमारी है दोस्तों। नेक्स्ट में बात करें, जंक फूड व कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ आकर्षक, खुशबूदार व स्वादिष्ट होते हैं दोस्तों, परंतु इनसे मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह जैसे अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर भार सूचकांक की बात करें तो ये बॉडी मास इंडेक्स के रूप में या BMI के रूप में जाना जाता है। ये शरीर के अंदर क्या करता है, ये हमारे शरीर की जो लंबाई और जो वजन होता है उसकी बारे में बताता है। जब 25 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापा पूर्व स्थिति, और ये अगर 30 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो तब हमारे को मोटापे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट में बात करें रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की। तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को कहते हैं रक्तचाप। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को कहते हैं रक्तचाप मापी, इसे स्पाइग्नो मैनोमीटर भी कहते हैं। और मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। रक्तचाप दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निम्न रक्तचाप, एक होता है उच्च रक्तचाप। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें विटामिन्स की। तो विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अल्प मात्रा में प्रतिदिन आवश्यक होते हैं, तथा विकास और उपापचय जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके नियंत्रण के पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। विटामिन की कमी से होने पर अनेक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है या बहुत सी उपापचय क्रियाओं को संचालित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट में बात करें नशीले पदार्थों की। तो नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, अफीम, शराब, भांग आदि का प्रयोग लोगों का द्वारा बहुत अधिक हो रहा है। इनका शरीर पर नकारात्मक और गलत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो कुछ के कारण कैंसर जैसे असाध्य रोग तो कई असामयिक मृत्यु का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें सम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। तो गुटखे के प्रयोग से जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, और दोस्तों इस स्थिति को कहते हैं सम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तंबाकू। तंबाकू पादप होता है वह निकोटियाना टोबेकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है।
तो इसकी पत्तियों में निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है जो रक्तचाप व हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है। आगे बात करें अफीम की, तो अफीम पादप पेपे और सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है और इसके दूध में मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेपेवरिन प्रमुख एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अन्य नशीले पदार्थों में बात करें तथा दवाओं का दुरुपयोग भी नशे के लिए किया जाता है। नशे के दुष्प्रभाव परिवार से विच्छेदन हो जाता है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा शारीरिक वृद्धि का भी विनाश हो जाता है, शारीरिक या मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आने लगते हैं। लास्ट बात करें खाद्य पदार्थों में मिलावट की, तो बाज़ार में बिकने वाली जो अधिकांश सामग्री है उसमें मिलावट होती है, फिर भी हम लगातार इन्हें उपयोग में ले रहे हैं जिससे हमारे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण पॉइंट जो भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में था। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार देती जाती रहेंगी और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती।